हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज मैं लाई हूँ मस्टर्ड सॉस की रेसिपी, वो भी बिल्कुल अनिकी स्टाइल में। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मस्टर्ड सॉस बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए आधा कटोरी राई, जिसे हम मस्टर्ड सीड्स भी बोलते हैं। मैंने यहाँ मोटी सीड्स ली हैं, आप चाहें तो बारीक भी ले सकते हैं। इसके बाद लेंगे आधा कटोरी राई की दाल, या इसे हम अचार वाली राई की दाल भी बोलते हैं, या फिर स्प्लिट मस्टर्ड सीड्स भी बोलते हैं। इसके बाद एक फ्रेश हरी मिर्च लेंगे। हरी मिर्च से फ्रेशनेस बहुत अच्छी आती है और सॉस बहुत अच्छा बनता है। इसके बाद में नमक स्वाद अनुसार। मैंने 2 नींबू का रस पहले से निकाल के रखा हुआ है, जो 3-4 टीस्पून के करीब होता है। उसके बाद 1 कप पानी, जब ज़रूरत लगेगी वैसे ऐड करते हो जाएंगे। 1 टीस्पून शुगर लेंगे, आप चाहें तो इसे अपने स्वाद के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद में 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर लेंगे एंड 1 टेबलस्पून अब मेयोनीज लेंगे। मैंने वेज मेयोनीज ली है, आप चाहें तो कोई भी मेयोनीज यूज़ कर सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं, तो चलिए अब एक ग्राइंडर ले लेते हैं और उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेते हैं। सबसे आखिरी में मेयोनीज ऐड करेंगे, जो 1 टेबलस्पून हमने पहले से निकाल के रखे थे। और पानी अभी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, सबसे पहले इसे एक बार अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। बस, तो पहले एक बार अच्छे से इसे ग्राइंड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने अब बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे धीरे धीरे ग्राइंड करते हुए जाएंगे। एक साथ पानी ऐड करके एक साथ ग्राइंड नहीं करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा सॉस बिल्कुल रेडी है। मैंने इसमें 1 कप पूरा धीरे धीरे पानी ऐड किया है और इसे 3-4 बार ग्राइंड कर लिया है, तब जाके इसकी कंसिस्टेंसी इतनी स्मूद आई है। इस बात का ध्यान रखें और धीरे धीरे पानी ऐड करके ही इसे अच्छे से ग्राइंड कर लें। मस्टर्ड सॉस बिल्कुल रेडी है, इसे अब एक बाउल में निकाल लेंगे और ये सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इसे कोई टाको, सैंडविच या फिर कोई हॉट डॉग्स के साथ में इसे खा सकते हैं, उनके साथ में ये बहुत बढ़िया लगता है। फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।